अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रही हैं यूनिक पोटैटो ट्विस्ट समोसा की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यमी बनकर तैयार होगी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर उबाइल किए दो पोटैटो लिए हैं और इनको हम क्रश करेंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, एक चुटकी हल्दी और बड़ी कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ प्याज, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आटा गूंदेंगे। तो उसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और इसको हमने छान लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे। अब हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल करके इसके डो बना लेंगे। यहाँ पर जी आटा भी हमारा अच्छे से गूंद चुका है। डो का हम 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे, इनके हम बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको फैला लेंगे। जो हमारे पास दूसरी रोटी है वो हम इस पर लगा लेंगे। साइडों से हम इसको प्रेस करेंगे। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ जी हम इसकी हल्की हल्की साइड रिमूव करेंगे। अब हम इसके सेंटर में हल्की सी लाइन लगा लेंगे। अब हम इसको रोल करेंगे। देखिए जी कितने इजीली हो चुका है। इसी तरह हम तमाम बना लेंगे। यहाँ पर जी हमने ऑयल को अच्छा खासा गर्म कर दिया है। रोल को हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए जी तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली आज की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। यकीनन आपको भी हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।